अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दोस्तों कैसे हो, उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों आज के हमारे नए ब्लॉग में आप लोगों का इस्तकबाल है। दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पर काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही हैं, क्योंकि यहाँ का माहौल ही ठंडा होता है और काफ़ी सर्दी होती हैं देवबंद के एरिया के अंदर। ये देवबंदी एरिया बहुत सर्द होता है, बहुत ठंडा होता है। तो ये सुबह सुबह का टाइम है तो मैंने सोचा चलो अपने दोस्तों के साथ एक ब्लॉग शेयर करूं। तो दोस्तों आज ये सुबह का सुबह मैं एक जगह जा रहा हूं नाश्ता करने के लिए। मैं आज आपको वो जगह दिखाऊंगा जहां पे मैं नाश्ता करने के लिए जाता हूं और जहां पे मैं नाश्ता करता हूं, चाय पीता हूं, वो जगह दिखाऊँगा और ये भी बताऊँगा कि मैं नाश्ता क्या करता हूँ और नाश्ते में मैं क्या क्या चीज़ें लेता हूँ और क्या खाता हूँ, वह आज मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाऊँगा। तो दोस्तों ब्लॉग में आखिर तक बने रहिए, बहुत कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। तो चले ब्लॉग शुरू करते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम इस होटल में आ गए हैं जो आपको हमने बताया था कि जहाँ पे हम नाश्ता करते हैं और चाय पीते हैं, उस होटल में हम आ चुके हैं। और उस होटल का ये नज़ारा देख ले आप। और ये होटल वाले हमारे वसीम भाई आरसीएम हैं, आप भी इनको जान भी रहे होंगे कि माशाल्लाह बहुत अच्छा अच्छा। और दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमें खाने को मिलती हैं और अच्छे तेल से मिलती है, अच्छे मसाले से मिलती है। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ कि इस होटल के अंदर एक तेल यूज़ किया जाता है, हेल्थ गार्ड जिसको कहा जाता है। यानी ये तेल इतना अच्छा है कि अगर आप इस तेल को अपने खाने में यूज़ करते हो तो आप पेट की बीमारियों से आपकी हिफाजत हो जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि इसके अंदर 14,000 PPM ओरिजिनल है, जो कि हर किसी तेल में नहीं होता। जो बहुत ज़्यादा हज़ारों रुपए वाला महंगा तेल होता है उसके अंदर होता है, लेकिन ये इसके प्राइस सिर्फ 170 से ऊपर ही है। तो इसी के अंदर एक चीज़ आपको मिल रही है। तो इस होटल के अंदर सारी चीज़ें जो बनती है, देख रहे हैं आप यहाँ पे खाने की जो चीज़ें बनी हुई है, ये सारी चीज़ें पराठा वगैरह जो है वो सब इसी चीज़ों से बनता है। तो आज हम इस होटल में नाश्ता करेंगे और यहाँ का मज़ा लेंगे। वैसे हम रोज़ाना यहीं पर नाश्ता करते हैं। आप जब कभी देवबंद आओ तो इसी होटल का विज़िट करना। ये होटल जो है इसका एड्रेस है वक्फ दारुलूम देवबंद, यानी दारुलूम के एक बड़ा मशहूर मदरसा है वक्फ दारुलूम देवबंद, उसके पास एक गली जाती है, उस गली के अंदर ये होटल है। तो इस होटल में आप ज़रूर विज़िट कीजिए और यहाँ का खाना खा लीजिए। एक बात मैं कह सकता हूँ कि होटल यकीनन छोटा है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो आपके पेट के लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होंगी और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी और पेट की बीमारियों से आपकी हिफाजत होंगी। और अच्छा तेल, अच्छा मसाला और अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पे यूज़ की जाएंगी। यहाँ पर आपको एक चाय भी दी जाती है, वो चाय तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। वो चाय पत्ती उसकी ऐसी है कि अगर उस चाय पत्ती से आप एक दिन के अंदर 20 भी चाय पियोगे तो आपके पेट के अंदर जलन और खट्टी जो डकारे वगैरह आती है दूसरी तरफ चाय पीने से, तो वो सब नहीं होगा आपको। ये देखो एक चाय पत्ती है, जियो फिजिकल चाय पत्ती है, RCM कंपनी की है। तो आप ये चाय पत्ती अगर पियोगे इससे चाय बनाकर, तो इंशाल्लाह आप पेट के अंदर आपकी जलन, ये सारी बीमारियाँ उससे आपकी हिफाजत होंगी। और चाहे आप दिन के अंदर 10 या 20 मरतबा चाय पी लें, आपको पेट के अंदर जलन नहीं हो सकती, हमारी गारंटी है, आप पीकर देख लें। तो ये RCM की चाय पत्ती है जिसके ज़रिए से यहाँ पर चाय बनाई जाती है। बहुत कड़क चाय बनती है, बहुत अच्छी चाय बनती है। जब कभी आपकी चाय पीने का मूड हो देवबंद में आने के बाद, तो आप इस होटल का ज़रूर विज़िट कीजिए और यहाँ पर खाने का और पीने का मज़ा लीजिए। तो अब मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या नाश्ता करूँगा। तो दोस्तों ये हमारा नाश्ता है। आपको मैंने बताया था कि तेल के बारे में कि बहुत अच्छा तेल इस पराठे के अंदर यूज़ होता है। आप जब कभी देवबंद में आना तो यहाँ के पराठे का ज़रूर मज़ा लें और इस होटल के अंदर एक मरतबा नाश्ता करके देख ले कि आपको क्या फ़ायदा मिलता है। माशाल्लाह हम यहाँ पर रोज़ाना आते हैं, कभी बिरयानी, कभी पराठा, कभी आमलेट पराठा, अच्छी अच्छी चीज़ें हमें यहाँ पे खाने को मिलती हैं।
और अच्छे राइस ब्राइन ऑयल के अंदर मिलती है, जो कि सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, पेट की बीमारियों में बहुत ज़्यादा काम आती है। पेट के अंदर जो खाना हजम नहीं होता, गैस, कब्ज, इन तरह के जो बीमारियां हैं, इस तेल के यूज़ करने से नहीं होती। ये जो पराठा देख रहे हैं आप, इस पराठे के अंदर भी यही तेल यूज़ किया गया है, वरना यहाँ पर पराठे तो और होटलों में भी मिलते हैं, लेकिन हम नहीं जाते। फाइव स्टार होटल, अच्छे अच्छे होटल हैं, लेकिन हम वहाँ पर नहीं जाते, हम इस छोटे से होटल के अंदर आके खाते हैं। इसलिए आप जब कभी देवबंद में आना तो यहाँ पर खाने का मज़ा, चाय पीने का मज़ा ज़रूर ले, एक मरतबा ज़रूर ले। आप एक मरतबा आओगे तो बार बार आओगे। इस होटल की खासियत है कि जो एक मरतबा यहाँ पर आता है तो बार बार आने की ख्वाहिश रखता है, क्योंकि उसको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, उसके सेहत का फ़ायदा होगा, खाना उसको अच्छे तरीके से हजम होगा, तो जाहिर सी बात है वो इस होटल के अंदर ज़रूर आएंगे। तो वही मैं आपको, मैंने सोचा चलो आपको भी एक ब्लॉग शेयर करते हैं जहाँ पर हम रोज़ाना का नाश्ता करते हैं। सुबह मेरे जहन में यही बात आई तो मैंने बोला चलो आपको एक वीडियो बनाकर दिखा देते हैं जहाँ पर हम नाश्ता करते हैं। और जल्दी ही इसके बाद एक ब्लॉग ऐसा आने वाला है जो हम खाने में चीज़ें यूज़ करते हैं, और यहाँ पर क्या क्या खाना मिलता है, किस प्रकार का, किस टाइप का खाना मिलता है, ऐसे ऐसे नाम आपको बताऊंगा जो आपने कभी ज़िंदगी में नहीं सुने होंगे। तो बाद वाला जो वीडियो आने वाला है उसका ज़रूर वेट करना, एक अच्छा वीडियो रहेगा, मज़ा आएगा और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। क्योंकि हम जब भी ब्लॉग बनाते हैं तो हमारी यही फिक्र रहती है कि हमने जो सुनने वाले लोग हैं उनको फ़ायदा मिले, उनको कुछ बातें सीखने को मिले, क्योंकि सीखने को कोई उम्र नहीं होती। इंशाल्लाह इसके बाद का जो ब्लॉग आएगा उसमें हम बताएंगे इस होटल में खाना क्या क्या मिलता है, किस टाइप का मिलता है, किस तरह बनाया जाता है, और बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में मिलेंगी। और भी बहुत सारी जगहों पे हमारा जाना होने वाला है, सफ़र भी है, तो सफ़र की भी वीडियो और ब्लॉग इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। तब तक वीडियो का इंतज़ार करिए, वेट कीजिए, अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चले दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है, इंशाल्लाह इसके बाद एक अच्छी वीडियो में मिलेंगे।